पलटने में एक पल ही लगता है, एक सेकेंड में एक जिंदगी पलट जाती है, रातों रात किसी की जिंदगी बदल जाती है, तो एक कहानी एक सेकेंड में बदल जाती है। जी हाँ, एक दिन में इंसान का रिश्ता बदल जाता है, एक शब्द के साथ शब्द के मायने बदल जाते हैं, तो एक फिल्म तो बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ की जिंदगी में 40 साल पहले, जिसके बारे में आज भी होती है चर्चा। हर एक से दो महीने में रेखा और अमिताभ का नाम किसी ना किसी के जुबा पर आ ही जाता है। किसी भी शादी इवेंट फंक्शंस में अगर इन दोनों को देखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साथ आए हैं या फिर अलग, लेकिन फर्क सिर्फ इतना से पड़ता है कि ये दोनों ही पहुंच आए हैं। फर्क पड़ता है तो उनकी पुरानी मोहब्बतों के सिलसिले का, जो कि फिल्म सिलसिला के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन नहीं खत्म हुआ इनके मोहब्बतों के दास्ताने के चर्चे। जी हाँ, नहीं खत्म हुआ वो सिलसिला मोहब्बतों का इनका, जो किस्सा आज भी होता है भारत बॉलीवुड की गलियारों से निकलकर अक्सर तमाम ऐसी खबरें आती हैं रेखा अमिताभ के रिश्ते की, जिस पर कई बार तो यकीन नहीं होता, लेकिन कई बातें बिल्कुल सच साबित हो जाती है, जिस पर रेखा हो या अमिताभ खुद भी ये नहीं कह पाए हैं कि ये गलत है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे 40 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद रेखा अमिताभ का मिलन होना तय हो गया था। एक टर्निंग पॉइंट वो फिल्म बन गई थी रेखा की जिंदगी में, जब अमिताभ उनके करीब आए और फिर ये दोनों एक दूजे के होते ही चले गए। सुना ही होगा आपने वो गाना, परदेसिया ये सच है पिया, ये गाना। जी हाँ, वो गाना परदेसिया से जुड़ा। परदेसी वो फिल्म में कोई और नहीं, अमिताभ थे रेखा के लिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म नटवर लाल की। 40 साल पूरे हो गए हैं फिल्म नटवर लाल को, जिसमें रेखा अमिताभ की जोड़ी हर किसी के जुबा पर होती थी। इस फिल्म के बाद इनकी नजदीकियां इस कदर बढ़ती चली गई कि आज भी ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर होकर भी हर किसी के जुबा पर सबसे करीब होते हैं। जी हाँ, ये सुना ही होगा आपने, प्यार के वो दो पंछी जो मिलकर भी नहीं मिले, जो बिछड़ कर भी नहीं बिछड़े। ये बिल्कुल सही कहा गया है और इसका कहना सही बैठता है रेखा अमिताभ के रिश्ते पर। नटवर लाल फिल्म के बारे में बात की जाए तो 8 जून साल 1979 में इस फिल्म को रिलीज किया गया, जिसमें बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी अमिताभ रेखा की जोड़ी सबको पसंद आई। फिल्म ने टर्निंग पॉइंट साबित किया इनके रिश्ते को। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता के अलावा बात की जाए फिल्म को लेकर बात करने की, तो शायद ही आपको मालूम हो कि बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चों के फेवरेट इस फिल्म के बाद ही बने थे। शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ का साथ आना हर किसी को पसंद आया। जिसके बोल कुछ ऐसे हैं फिल्म में बच्चे को लेकर अमिताभ का गाना, जिसके बाद अमिताभ बच्चों की जुबा पर बन गए। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुना, ये जो है बोल उसे लोग काफी पसंद करते हैं इस फिल्म के इस गाने को। इसके अलावा बात की जाए रेखा अमिताभ की, तो इस फिल्म में पहली बार दोनों का साथ काफी ज्यादा करीब आना पसंद आया था। दोनों साथ साथ जब नजर आए तो लोग उन्हें देखते ही रह गए। ऐसे तो अमिताभ ने तमाम फिल्में की, रेखा ने की, लेकिन इस फिल्म में इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा सराहना ही मिली। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में। एक बार अमिताभ ने लिखा था, मुझे अचानक खबर दी गई, पहली बार मुझे अपने ही बैकग्राउंड गाने मेरे पास आओ को गाना है। जी हाँ, इसके बारे में अमिताभ बच्चन ने बताया था, डायरेक्टर और संगीतकार ने ये बात उनसे कही थी। खुद का गाना गाना और अपनी रेली लव के करीब आना लोगों को काफी पसंद आया। फिल्म में लीड किरदार में कादर खान से लेकर अमजद खान थे, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन इस फिल्म के बाद ही अमिताभ रेखा के अफेयर के किस्से खूब मशहूर हुए, जिससे लोग आज भी अनजान हैं। शायद आपको मालूम हो, लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म
सिलसिला में अमिताभ रेखा की जोड़ी आखिरी बार नजर आई थी, लेकिन मोहब्बतों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो मोहब्बतों के किस्से आज भी सिलसिला बरकरार रखते हैं, इनके रिश्ते को बनाकर रखते हैं, जो कोसों दूर होकर भी एक दूसरे के पास ही होते हैं। तो फिलहाल आपसे लेते हैं यहीं पर इजाजत, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो कमेंट करके आप बताएं रेखा अमिताभ से जुड़े वो किस्से जो आपको पसंद है, उनकी फिल्में जो आपको काफी पसंद है। तब तक के लिए देखते रहे बॉलीवुड की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। लौटेंगे जल्द नेक्स्ट शो को लेकर, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को लेकर। नमस्कार।